इंडियन बहन भाई हैं उन लोगों से भी मिले, उन लोगों ने अपनी वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट की। दुबई क्रिक कहलाता है। वाह, कोई बात नहीं। मौजूद हूँ डेरा ग्रीक पे और डव क्रूज की तैयारी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर, सो चलते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ देखते हैं। वहाँ बुफे डिनर है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो आपको चलिए दिखाते हैं। और ये हरीम है जो मेरे ऑडियंस को सलाम कर रही हैं। यहाँ से हम लोगों ने चाय लिए, बिल्कुल क्रूज वाले अंदाज में शिप बना हुआ है यहाँ से, और बच्चों ने आइसक्रीम ली है। हेलो, दुबई क्रिक कहलाता है। ठीक है, सामने जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना वो बड़ दुबई है। okay. बीच में अबरा चलती है, अबरा मींस वाटर टैक्सी होती है, तो वो चलती है। okay. ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब जो ओल्ड दुबई है ना ये है वो जगह एग्जैक्टली जहाँ पे इनकी ट्रेडिंग होती थी सारा कुछ। ये पहले पर्ल डाइविंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे दुबई में। और ये जो एरिया नजर आ रहा है ना इसके पीछे सारी वो मार्केट है, रोलेक्स टावर की जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है रेडिसन ब्लू की, देखें होटल है ना। yes. इसके पीछे जो ओल्ड मार्केट है दुबई की, यूएई की भी सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है। यहाँ पे उनकी पोर्ट होती थी जहाँ पे छोटी छोटी किश्तियों में माल उतरता था और फिर वही इन मार्केट्स में जाता था। और सना और रेहान का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना पूरा वीकेंड हमें दिया, हमें एंटरटेन कर रहे हैं भरपूर। ये शेरिटन क्रीक है, उसके बाद बिल्डिंग। और ये हेलीपैड बना हुआ है ऊपर। जी, हेलीपैड खूबसूरत लग रहा है। यहाँ हर जितनी भी नई बिल्डिंग है सब पे हेलीपैड मस्ट है, सेफ्टी की वजह से, ताकि फायर हो तो ऊपर से निकले। लाइन से बहुत सारे क्रूज खड़े हुए हैं। यहाँ पर क्रूज के नाम होते हैं, मैं अभी रेहान से पूछ के बताती हूँ हमारे क्रूज का नाम क्या है। सो पहले हम अपने क्रूज तक पहुँचे उसके बाद बताती हूँ क्या नाम है हमारे क्रूज का। तो इस क्रूज का नाम है रेमी क्रूज, और देखिए यहाँ पर बुफे डिनर स्टार्ट हो चुका है और मैं दुबई में इस टाइम मौजूद हूँ। और ये मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग्स भी दिखाती हूँ दुबई की, ये देखिए। हमारे क्रूज की टाइमिंग 8:30 की थी और अभी तक क्रूज नहीं है आया है। मे भी जो मेरे बैग पर नजर आ रहा है वो बाबा भी हो सकता है, तो वेटिंग कर रहे हैं। और साथ मेरे हैं नसरत और सना भी हैं, और मेरे साथ हैं रेहान, और माशाल्लाह आज मेरी जो होस्ट है वो दो बच्चियां भी हैं। सो वी आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग, और काफ़ी आगे निकल गए थे, दोबारा वापस आए हैं और कितना वेट और करना पड़ेगा। और यहाँ पर हरीम वेटिंग कर रहे हैं अपने क्रूज का और इंजॉय कर रही है, गाने पे डांस हो रहा है उनका यहाँ पे। वाओ, बहुत मजे आ रहे हैं। कोई बात नहीं। फाइनली बहुत इंतजार के बाद, क्योंकि इंतजार हो नहीं रहा था, हमारी बोट आ गई है और उसके अंदर पैसेंजर भी हैं। अब देखते हैं वो पैसेंजर यहाँ ड्रॉप होंगे, हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये अभी सब हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। क्रूज़ के जो मेंबर्स थे अब उनकी एग्जिट शुरू हो गई है। क्रूज़ की बड़ी तेज़ी से सफाई हो रही है कि जी दूसरे मेंबर्स को वेलकम कर सकें, और वह बेचारे बहुत ही स्पीड में उनके हाथ चल रहे हैं, टेबल साफ हो रही है, फ्लोर साफ हो रहा है। तो जी हमारे जो क्रूज के पैसेंजर हैं वो उनकी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलिए हम लोग भी चलते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये लाइफ की फर्स्ट हमारी क्रूज राइड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी करवाती हूँ, आप हम भी एंजॉय करते हैं, आपको भी एंजॉय करवाती हूँ। हम इंटर हो रहे हैं अपने डॉग क्रूज में। पहली सौगात पानी की बोतल हमें रिसीव हो गई है और अभी क्रूज राइड
की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। मामा और बाबा मेरी टीम में। अच्छा अच्छा, और खाला और खालू किसकी टीम में? आप ही की। ओ अच्छा, ऊपर से गेम खेल रहे हैं। अच्छा, कौन सा है आपका जूस? ऑरेंज जूस जी। और कैसा है जूस? यमी। ऑरेंज जूस नहीं है, मैंगो है। मैंगो, वाओ यमी है। बाद में खेलेंगे। नहीं बेटा, अभी आप जूस पियो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इमान को भी बहुत अच्छा लगा। और ये किसने बनाया? मीमू। ओके, बहुत प्यारा बनाया मीमू ने। तो अपना लॉन्ग लॉन्ग वेट के बाद ये दूसरा स्टार्ट हो गया है। और बहुत खूबसूरत, और ये लगे हुए हैं यहाँ पर नुसरत साहब सारी वीडियोस कैप्चर करने के लिए, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से सीन कैप्चर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर नज़र आ रहा है हमें बुर्ज खलीफा, वहाँ पर हो रहा है लाइट शो। सो जब वहाँ जाएंगे तो लाइट शो भी कैप्चर करेंगे। और सामने से आ रही हैं दो क्रूज और आ रहे हैं, ओबेरॉय एंड दूसरा पे लिखा नहीं है कौन सा है, लेकिन जो इनकी लाइट से वो बड़ी खूबसूरत लग रही है। आप यहाँ बता रहे थे ना गोल्ड सूप। हाँ, ये क्रीक रोड है। क्रीक रोड ठीक है, डेरा कॉर्निश है। डेरा कॉर्निश है, यहाँ पे सीधा आगे जाएंगे तो जैसे ये बिल्डिंग्स के पीछे जो है नाइफ मार्केट है, नाइफ रोड है, फिर नाइफ मार्केट है, और स्पाइस सूक है, सही, गोल्ड सूक है सही, और सारी मुर्शिद बाजार है। अच्छा, मुर्शिद बाजार मुर्शिद बाजार में क्या मिलता है? मुर्शिद बाजार में डिफरेंट चीजें, कपड़े हैं, अच्छा, स्पाइसेस हैं, अच्छा, और जो भी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वहाँ पे, किचन का सामान है यहाँ बहुत ज्यादा, फर्नीचर तो नहीं है, इस तरह की जो एक्सेसरीज हैं, और बच्चों का सामान है, बच्चों की यूज की चीजें हैं, और उससे आगे है दुबई गोल्ड सुख, सबसे आगे जाके रासल खोर आ जाता है। रासल खोर पे एक हिंदू मंदिर भी है पुराना, और रासल खोर पे इनके दुबई के जो प्रांत है उनकी पुरानी रहायश भी है। अच्छा। पुरानी रहायश, क्योंकि ये पहले जो यहाँ पे लाइफ थी ना, यानी कि इनकी जो 1971 इनका फॉर्मेशन जो थी, उससे पहले भी इसी रोड पे जो इसी एरिया पे ये लोग रहते थे, क्योंकि इनकी हैपनिंग प्लेस यही था, ट्रेडिंग यहाँ पे होती थी सारी की सारी छोटी छोटी किश्तियों में, और यही एरिया बात था दुबई का। बहुत शुक्रिया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह, रेहान से आपने सुनी इतनी सारी, बहुत सारी नॉलेज हो गई होगी आपको। Please adhere to the seats to present you the Egyptian art of Timor with Mr. Yusuf. ये जो घर बने हुए ना, इनके ओल्ड होम, ये जो पुराने घर बने हुए, इनके ऊपर आपको एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, एक डक बनी हुई नजर आएगी जिसमें लाइट लगी हुई, ठीक है? ये जो इसका पर्पस क्या होता है, ये इनका
एसी है पुराने ज़माने का, किस तरह कि ये घर के टॉप पे बनाते थे अपना, ठीक है, और इसमें से गर्म हवा इंटर होती थी, और जब इनके अंदर गर्म हवा इंटर होती थी तो वो नीचे जाके मुख्तलिफ कमरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी डक्ट के थ्रू, तो वो ठंडी हो जाती थी। तो इस तरह से बाहर की हवा इस तरह इंटेक करते थे, ये इनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था पहले के ज़माने। इतना अच्छा इसको डिज़ाइन किया क्योंकि ये चीज़ क्या होती है कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के रहने के लिए ना अपनी सर्वाइवल ढूंढते हैं, तो पहले ज़माने में एसी नहीं होते थे, तो ये लोग पर्ल डाइविंग करते थे और शीप हर्डिंग करते थे, मवेशी होते थे इनके पास, तो उसमें जो है ये जब उनके घर इस तरह डिज़ाइन करते थे गर्मी से बचने के लिए। और जो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है पूरा घूमते हुए यहाँ पर आके डेजर्ट रखा है और मीठे में शायद कस्टर्ड लग रहा है, मैंगो कस्टर्ड, अब खाएंगे तो पता चलेगा क्या है। और जी ये खाने में बहुत सारा ऑप्शन था, बहुत लंबी क्यू थी तो इस वजह से मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। तो माशाल्लाह खाने में बहुत कुछ है, बहुत वैरायटी है, ये जीर आए नसास और ये सैलेड में ये वैरायटी है। तो मैं खाती हूँ, रिव्यू देती हूँ आपको यहाँ कैसा खाना लगा। और ये इसके अंदर है हुमस जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चले खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे चले। और अभी हम लोग खाना खाते हैं, एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं और ये देखें यहाँ चल रहा है खाना। और जी हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं और लाइव म्यूजिक चल रहा है, ये खाना भी चल रहा है। मतलब बहुत टेस्टी नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ के तो वैसे ही पी के खाने होते हैं, लेकिन ओके है, ठंडा है तो इस वजह से इतना ज़्यादा मज़ा नहीं दे रहा। और खाने में काफ़ी वैरायटी थी, बुफे था, बुफे डिनर है। फ्राइज कैसे हैं हरी? नॉट गुड। कैसे हैं? कबाब कैसे है? कबाब ओ वाह, हस्बैंड, शी इज माई सिस्टर, थैंक यू सो मच। आप लोग यूएई में सेटल हैं? या वी यूएई में सेटल, या थैंक यू।
ओके थैंक यू सो मच हम लोग के लिए इतना हमारा हमें ये किया हम लोग के लिए थैंक यू अच्छा लगा ना थैंक यू आप कहाँ से दिल्ली ओके गुड टाइम वी आर फ्रॉम कराची यूट्यूबर Yes. My channel. Please subscribe my channel as well. There is hashtag musical Lavish. You can find me on Instagram as well. On Lavish Ahmed. This is my official handle. Eric. तो जी, Dock Cruise से हम लोग जा रहे हैं होटल. तो जी डॉक रोज पे हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की कुछ अपने जो इंडियन बहन भाई हैं उन लोगों से भी मिले उन लोगों ने अपनी वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट की वो भी बहुत इंजॉय किया और खाना एवरेज था क्योंकि ठंडा था तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया और जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी वो भी बहुत मज़े की थी सो बहुत अच्छा रहा मज़ा रहा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था फर्स्ट अचीवमेंट कह लीजिए बहुत मज़े की रही सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में